हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, उम्मीद है एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। खिलाड़ियों की संख्या से अक्सर पूछे जाने वाले सवाल। किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या क्या होती है? आज की इस वीडियो के जरिए हम लोग कवर कर लेंगे इस टॉपिक को। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ बेसबॉल की। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 9। हम लोग ट्रिक के साथ कवर करेंगे। देखिए, 9 को आप लोग ऐसे सोचिए कि क्रिकेट में एक 9 बॉल होती है, 9। अभी जो 9 बॉल होती है ये बैस पे फेंकी जाती है। बैस, जब खिलाड़ी एक दूसरे से बैस कर रहा होता है तो कोई सिर के ऊपर से फेंकेगा, है ना, कोई आगे पैर आगे करके फेंक देता है लाइन से। तो 9 बॉल बेस पे फेंकी जाती है, 9 बॉल। तो ऐसे याद रखोगे, 9 यानी कि 9 बेस पे फेंकी गई, 9। आगे बात करता हूँ रग्बी फुटबॉल की। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 15। कैसे याद रखनी है? रग्बी की जगह याद रखिए रबड़ी। 15 खिलाड़ी है ना। रग्बी फुटबॉल ऐसा खेल है जिसमें खिलाड़ी सबसे ज़्यादा होते हैं। रग्बी फुटबॉल रबड़ी बन गई क्यों? क्योंकि 15 खिलाड़ी खेल रहे थे मैदान में, क्योंकि सबसे ज़्यादा खिलाड़ी इसी में होते हैं 15। या फिर ऐसे सोच लो, रबड़ी कितने रुपए की आई? 15 रुपए की रबड़ी, ऐसे सोच लो। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 4। 4 का आंकड़ा देखो, ये भी 4 है, पोलो में भी 4 ही है, 4 से 4 का मैच है। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 4। अगर मैं बात करता हूँ वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। आगे मैं इसी क्रम में बात करूँगा। देखिए, पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 4, ये हो गया क्लियर। पोलो के बाद में आता है नंबर वाटर पोलो का। वाटर मतलब पानी। अब वाटर पोलो में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है 7, वाटर मतलब पानी, पानी का pH मान जो होता है वो होता है 7। तो उसी से याद रखना, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। इस pH की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये जो pH स्केल होता है, इस पे 0 से लेके 14 तक के अंक निर्धारित होते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछ चुका है। अगले सवाल की बात करता हूँ खो खो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 9। कैसे याद रखोगे? मान के चलिए मैं ही आपसे कह रहा हूँ खो खो, अरे खो तो सही, तुम कह रहे नौ, ना हम ना खो रहे, नौ नो हम ना खो रहे, खो खो नो, ऐसे सोच लो। या फिर ऐसे सोच लो खो खो, यानी कि एक वर्ड आएगा खोना, यानी खो खो ना, ना मतलब 9। तो खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9। आगे बात करिए कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। कबड्डी ऐसे सोचो, कब हड्डी, कब टूटी हड्डी, है ना, एक्सीडेंट हुआ, हड्डी कब टूटी? 7 बजे टूटी भाई, 7। कबड्डी 7 बजे स्टार स्पोर्ट्स पे स्टार्ट हो जाती थी शाम को, वो भी याद रखिएगा। हॉकी की बात करता हूँ, फुटबॉल और क्रिकेट। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, इस गेम में खिलाड़ी की संख्या सेम होती है, 11-11 खिलाड़ी एक पक्ष में होते हैं। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल में 11-11 खिलाड़ी। बात करते हैं नेट बॉल के बारे में। नेट 7 बजे टूटी हड्डी कबड्डी, कबड्डी में भी 7 थे, और नेट बॉल में भी 7, नेट 7 बज रहे भाई, है ना, तब टूटी थी उसकी हड्डी। कबड्डी और नेट बॉल में 7-7 खिलाड़ी। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 6, है ना, जो बोल दी जाए जो बॉल। ऐसे मान के चलना, आपने किसी से बोला, पहले बोल दिया बोली, क्या लगाई बोली? बॉल पे छक्का मारूंगा तेरी बॉल पे, ठीक है ना। तो बोल कर लगा दिया, 6 मारने तेरी बॉल पे, ऐसे मान के चलना। टेनिस में कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं? 1 या 2, एक टीम में 1 या 2 खिलाड़ी। टेनिस का खेल, है ना, जो आपका कोर्ट पे होता है टेनिस का खेल, उसमें आपने देखा होगा 2 खिलाड़ी इस पक्ष में होते हैं, 2 खिलाड़ी, है ना, पहले एक एक भी खेल सकते हैं, एक इस इधर एक इधर, फिर 2-2 खिलाड़ी भी खेल लेते हैं ये। तो टेनिस में एक टीम में 1 या 2 खिलाड़ी हो जाते हैं। टेबल सा ही बना हुआ ये, तो टेबल टेनिस में भी 1 या 2 ही खिलाड़ी होते हैं। बात करते हैं बास्केटबॉल की। तो बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। बास्केट में वर्ड पकड़िए, बास्केट मतलब बिस्किट। बिस्किट कितने रुपए का आता है? पार्ले जी, 5 रुपए का बिस्किट आता है पार्ले जी। बात करते हैं जिमनास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या होती है दोस्त 8। जिम वर्ड पकड़िए, जिम में जाओगे क्योंकि 16 का डॉलर 46 की छाती बनानी है। अब 16 का ना बना तो फिर कितने का बन जाएगा? 8 का तो बन ही जाएगा, ये याद रखो।
आगे बात करता हूँ बॉक्सिंग में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। देखिए बॉक्सिंग जो होती है उसमें एक टीम में एक ही खिलाड़ी होता है, याद रखना बॉक्सिंग एक खिलाड़ी। दूसरा है ना, जैसे कि खली भारत की तरफ से खेलता था, दूसरे के और खिलाड़ी अंडरटेकर वगैरह वो दूसरी तरफ से खेलते थे। ताश के खेल में होता क्या है, ताश के खेल में दो लोग खेलते हैं, एक टीम की तरफ से दो लोग खेलते हैं ताश के खेल में। लॉन टेनिस, टेनिस की बात है तो टेनिस में एक या दो ही खेलते हैं। चेस, चेस में दो खिलाड़ी एक टीम में होते हैं, मान के चलना पौवा पी रहे हैं दो लोग आपस में चेस कर रहे हैं, दो एक दूसरा, चेस करने के लिए कम से कम दो लोग तो चाहिए ही। स्नूकर, स्नूकर इसमें एक खिलाड़ी होता है स्नूकर में, याद रखो। और मैं बात फुटसल की करता हूँ, ये पाँच पाँच खिलाड़ी होते हैं दोनों टीमों में, पाँच पाँच। फूट गए साले, है ना, क्या पड़ गए, पंच, पंच पड़ गए, फूट गए, फुटसल फूट गए, फूट गए साले, क्योंकि क्या बचा, पंच। तो ये खेल खिलाड़ियों की संख्या हो गई कंप्लीट। 2 से 3 मिनट की ये वीडियो थी, इस वीडियो को शेयर करना। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।